काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्ध शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्ध शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर। आप देख रहे हैं भारतेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्राम उद्योग मंडल नागपुर की ओर से महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खादी और ग्रामीण हस्तशिल्प की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार झांसी रानी चौक सीताबर्डी में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र साठे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विमला ने जानकारी दी है। बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं लागू कर रहा है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मद केंद्र योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से स्थापित उद्यमियों को बाजार तक पहुंच बनाने के लिए बोर्ड प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। ये प्रदर्शनी गांधी जयंती के अवसर पर नागपुर में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में महाबलेश्वर से शुद्ध मधुबन शहद, वर्धा नागपुर से गुणवत्तापूर्ण खादी शामिल है। कपड़े, विभिन्न मसाले, लकड़ी की गंदगी पर तेल, लकड़ी के हस्तशिल्प, फाइबर की मूर्तियाँ, बांस की कलात्मक वस्तुएँ, आंवला खाद्य पदार्थ, गुड़, मोमबत्तियाँ आदि सामान के स्टॉल लगेंगे। आरक्षक विमला ने ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से इस प्रदर्शनी में आने और उनका सामान खरीदने की अपील की है। मंडळाचं प्रदर्शन हिंदी साहित्य संघाच्या मोरभवन हॉलमध्ये होणार आहे। सकाळी 10 ते रात्री 10 पर्यंत प्रदर्शन राहणार आहे। तिथे पार्किंगची व्यवस्था, इतर सगळी व्यवस्था आहे। संध्याकाळी 3 ते 4 दिवस मनोरंजनाचाही कार्यक्रम असणार आहे। तरी आपल्या सगळ्यांची सगळ्यांना विनंती आहे की नक्की या प्रदर्शनाला या। ज्या आपल्या खादीचे मॅन्युफॅक्चरर्स आहे, लघु उद्योग आहे, आपल्या येण्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन तर मिळणारच आहे, पण आपल्याला दर्जेदार जे प्रॉडक्ट्स आहेत आणि ओरिजिनल खादी असेल, आमचं मधुबन मध आहे जे आपल्या आयुष्यामध्ये गोडवा आणेल, ते मिळणारच आहे। सर्टिफाईड युसोका ऑर्गॅनिक आणि केमिकल फ्री मध आहे, हँडमेड पेपर आहे, इतर काही घरगुती वस्तू आहेत आणि विशेषतः खादी आहेत, जे इतर ठिकाणी तुम्हाला एवढी व्हरायटी मिळणार नाही आहे, इथे खादीची तुम्हाला खूप चांगली व्हरायटी मिळणार आहे। आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, निश्चित रूपाने 50 स्टॉल्स असणार आहे। 50 ते 70 महिला गटाचे पण स्टॉल्स असणार आहे, जे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅमचे ज्या लाभार्थी आहे महिला गट, त्यांना तिथे मिळणार आहे। खादीचा जो डिस्काउंट आहे, खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्याकडनं जे 20% आहे KVICचं रिबेट, ते मिळणार आहे गांधी जयंती निमित्ताने जे असणार। दिनांक 20 सितंबर 2023 को पोपनी मधुकर सामलवार नामक फरियादी की सूचना पर पुलिस थाना रामनगर द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ निशिगंधा अपार्टमेंट में रहने वाली महिला आरोपी के फ्लैट पर छापा मारा। महिला आरोपी सहित पुलिस स्टाफ ने 3 पीड़ितों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी महिला महिलाओं को पैसे देकर वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलती थी। वैश्यावृत्ति के लिए एक फ्लैट में जगह उपलब्ध कराती थी। थाना रामनगर में मानव अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। नामुद अपराध की पीड़ित तीनों महिलाओं की सुरक्षा कारणों से स्त्री आधार गृह मूल रोड चंद्रपुर में हिरासत में लिया गया है। अपराध में आरोपी 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच जारी है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार,
निरीक्षक राजेश मूले के मार्गदर्शन में पीएन लता पशकवे अपराध अन्वेषण दल रामनगर के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई की गई है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। कांचास फास्ट फूड, मोस्ट फेमस एंड बेस्ट चाइनीज फास्ट फूड सेंटर ऑफ चंद्रपुर। बेस्ट स्टेज, आउटडोर एंड इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट, बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। वी ऑफर वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, वेज चिली, चिली चना, चिली पनीर, वेज नूडल्स, हक्का नूडल्स, शेजवान नूडल्स, कॉकटेल राइस, पनीर राइस, शेजवान राइस, फ्राइड राइस। Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. 11 सितंबर से चल रहे नेशनल ओबीसी स्टूडेंट्स फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र टोंगे के आमरण अनशन का आज 12वां दिन है। जातिवार जनगणना, ओबीसी छात्रवास, स्वाधार योजना जैसी विभिन्न मांगों को लेकर रविंद्र टोंगे ने 11 सितंबर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अन्नत्याग धरना शुरू कर दिया। उसके बाद 17 सितंबर को ओबीसी संगठनों का महामार्च निकाला गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने टोंगे के विरोध पर ध्यान ही नहीं दिया तो अब इस विरोध का क्या होगा? ओबीसी संगठनों के लिए ये बड़ा सवाल है। टोंगे के आंदोलन को विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। 21 सितंबर को भारत राष्ट्र समिति ने टोंगे के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले 11 दिनों से ओबीसी किसान के बेटे रविंद्र टोंगे ने अन्नत्याग आंदोलन शुरू कर रखा है। भारत राष्ट्र समिति जिला चंद्रपुर ने ओबीसी समुदाय के अधिकार के लिए रविंद्र टोंगे के अन्नत्याग आंदोलन को जन समर्थन दिया है। अगस्त माह में पत्रकारों ने शहर में तेज रफ्तार वाहनों के रोमांच को लेकर खबर प्रकाशित की थी, लेकिन यातायात नियंत्रण शाखा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब शहर में दो पहिया वाहनों का तेज रफ्तार रोमांच देखने को मिला। 21 सितंबर को रात 12 बजे के आसपास चार पहिया वाहन, गुरुवार 21 सितंबर को रात लगभग 12 बजे चार पहिया वाहन क्रमांक MH34BB1100 रामनगर पुलिस स्टेशन से वरोरा नाका फ्लाईओवर पर तेज गति से आया। जब वाहन ने अम्बेडकर कॉलेज की ओर फ्लाईओवर पर तेज गति से मोड़ने की कोशिश की तो चालक ने नियंत्रण खो दिया। वाहन और उक्त चार पहिया वाहन फ्लाईओवर पर तीन बार पलटे और ढह गए। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में तीन युवक सवार थे। रात का वक्त होने के कारण कुछ युवक और नागरिक पुल के उस हिस्से पर टहलने आ रहे थे। उसी वक्त तेज रफ्तार में टर्न लेने के दौरान ये गाड़ी पलट गई। चंद्रपुर शहर में कई नाबालिग अपने दो पहिया वाहन को तेज गति से चलाते हैं, जिससे दूसरों को नुकसान होता है। लेकिन अब चार पहिया वाहन मालिक भी तेज गति से वाहन चला रहे हैं, जैसे कि वो फिल्म में हीरो हो। हादसे के बाद कुछ युवक तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे और उन तीन युवकों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये युवक मामूली रूप से ही घायल हुए हैं। काही नाती बांधली जातात धाग्याने, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्ध शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमचा वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर।
बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर।